तितली और गर्व का रिश्ता टूटने की कागार पर है? देखिए, अगर ऐसा है भी ना, तो वी कांट एंटायरली ब्लेम तितली। अरे भैया, बार बार आप उसको अपने आप को साबित करने के लिए कहेंगे तो इंसान पक नहीं सक पका जाएगा। बड़ी माँ आपको ऐसा छू लेते हैं कि मैं गर्व से प्यार नहीं करती। अगर ऐसा होता ये जानने के बाद कि आप सब मुझ पर यकीन नहीं करते और आप सब चाहते हैं कि मैं यहां से चली जाऊं, तो मैं चली जाती बड़ी माँ, पर मैं यहां रुकी क्योंकि गर्व के लिए मेरा प्यार सच्चा है, क्योंकि क्योंकि मैं सच्ची हूं। गर्व को तितली पर विश्वास ही नहीं है। गर्व के साथ साथ पूरा परिवार हमेशा तितली के खिलाफ रहता है। अब हर बार एक लड़की को खुद को प्रूफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तितली अब हार गई है, खुद के बारे में कितनी सफाई दे। सही हो गर्वी, मैंने हर इल्जाम सुना, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए गर्व। मैं यहाँ रुकी, मैंने सच सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश की। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप ये बात नहीं समझते? बोलिए। जब लगता है ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है, तब वो अपने दिल की बात कहती है और फिर घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है। अब देखिए ना, गर्व को पछतावा है, उसने जो किया उसके लिए वो सॉरी भी कह रहा है। ऐसा कुछ बुराई नहीं है यार, सबको अपने इमोशंस जताने का तरीका होता है, तो गर्व ऐसा है, प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। ये नहीं है कि प्यार नहीं करता, सिर्फ गुस्सा, प्यार भी करता है, बस है मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं दोनों। तितली ने बस इतना कहा कि वो अब काम करना चाहती है दोबारा से। फिर क्या, गर्व वापस से उन्हीं पुरानी बातों पर आ गया। अचानक से वापस से इसने बोला कि अब सब चीज़ ओके, सो नाउ आई वांट टू गो टू वॉक। एंड गर्व है अनप्रेडिक्टेबल सा, तो उसको नहीं चाहिए कि जाए अभी, तो शॉक हो जाता है वापस से क्यों बोल रहे हैं। घर वाले जो कहते हैं वो मान लेता है, वो जिस तरीके से पिक्चर दिखाते हैं उसी पिक्चर को वो सही समझ लेता है। छोटे पर्दे के पतिदेव कान के कच्चे तो होते ही है, तो यहाँ पर गर्व भी कुछ ऐसा ही है। अगर इनके बीच ऐसा ही चलता रहा तो भला प्यार कैसे होगा? तितली की जिंदगी में प्यार को लाने के लिए लगता है किसी तीसरे को ही आना पड़ेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।